सो फाइनली निकल रहा है रानीखेत से, इसी होटल में हम लोग स्टे किए थे, वो राजदीप होटल। तो यहाँ से निकलना है, चलते हैं महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव, राइड को करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है ये व्यू, और इसका जो रोड है ना उसका ही वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। देखे कितना मस्त रोड था, मतलब अल्टीमेट मज़ा आ गया। ऐसा रोड पे बाइक चलाने का जो फील है वो आने पे ही फील हो सकता है, वीडियोस में नहीं फील हो सकता। तो कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर बाइक राइड कीजिए, मतलब अगर बाइक राइड आपको पसंद है तो ये आपके लिए जन्नत है, जस्ट लाइक जन्नत। व्यू भी देख सकते हैं, तो भाई फोटो क्लिक करा, जल्दी क्लिक करो भाई, कोई बाइक आ जाएगा, गाड़ी आएगा, जल्दी क्लिक करो, गाड़ी आ रहा है फटाफट, चलो जल्दी से क्लिक करो। अब सो ये व्यू देख सकते हैं, देख रहे हैं क्या खूबसूरत है। वहां देखो हिमालय रीजन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ध्यान से देखो कैमरा में शायद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, थोड़ा फॉगी वेदर है, वो हिमालय रीजन दिख रहा है। देखो व्हाइट व्हाइट पहाड़ थोड़ा दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट पहाड़ दिख रहा है, वही है हिमालय रीजन, वो शायद कैमरा में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, वहाँ पे उस पॉइंट पे बैठा, मतलब मज़ा आ गया। आप अगर बाइक राइड पसंद करते हैं ना तो लाइफ में एक बार ज़रूर आइएगा, इसलिए मेरा ये ड्रीम राइड था। कृपया प्रगति पर है, ये चलो बाइक जाएगा किनारे से, किनारे से बोला कि क्या हुआ, आ रहा है तो यहाँ पे रुके हैं, रानीखेत से आगे बढ़े हैं 66 किलोमीटर, और यहाँ पे आधार कार्ड से एंट्री कराने के लिए कह रहे हैं। सर आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड आपका वही रुद्रप्रयाग से पहले होगा, चेकअप रुद्रप्रयाग से पहले, तो वो जो एंट्री जो पास रहता है वो, हाँ वो पास अपने पास रखो, फर्स्ट वाला जो भी है। अच्छा, और जिनके पास नहीं है उनको बनाने का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, बन जाएगा ना, क्योंकि सब लोग का है, मेरा नहीं है, क्योंकि अच्छा हाँ तो वहाँ पे बन जाएगा ना हम लोग का। अच्छा साइबर कैफे से ही बना सकते हैं, वो ऑप्शन मिलेगा ना आगे, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सर, कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग पटना से आ रहे हैं, बिहार। कहाँ जा रहे हैं पटना से? केदारनाथ। मोटरसाइकिल से आ रहे इतनी दूर से? जी सर। कितने दिन हो गए? ये हमारा डे 4 है पटना से। जी सर, मतलब दिन में ट्रैवल करते हैं, रात में स्टे कर जाते हैं। एक बाइक और है हम लोग के पीछे आ रहा है, ये हाँ ये बाइक होगी। तो
आपको बता दें कि आज का जो ब्लॉग था वो स्टार्ट भी नहीं कर पाए थे क्योंकि आज बहुत लेट निकले ही थे, 9 बज गया था। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल में। तो सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त अभिनव दीपू। और अभी फ़िलहाल हम आज जो राइड कर रहे हैं ये D4 राइड है। और आपको बता दें कि आज रानीखेत टू सोनप्रयाग जाने का प्लान था, तो आपको बता दें कि बीच में एक स्टॉप लिए हैं, कंटिन्यूस 3 घंटा राइड किए हैं और बीच में एक जगह पड़ता है वहाँ रुके हैं। और यहाँ का व्यू भी अल्टीमेट है, मतलब बीच में आप इससे पहले वीडियो देख चुके होंगे, रास्ता का जो रोड है ना और जो व्यू है वो अल्टीमेट है। मतलब वो चीज़ जो है ना वो आप यहाँ आइएगा तो ही फील कर सकते हैं। अगर आपको बाइक राइड पसंद है तो लाइफ में एक बार आइएगा ज़रूर। मेरे हम बोलते हैं आपको मतलब मेमोरेबल हो जाएगा, ऐसा ऐसा रोड मिलता था ना अल्टीमेट कि पूछिए नहीं। और बाकी सब जो मेरे साथ राइडर हैं उन लोग ई पास बनवा चुके हैं, बट मेरा नहीं बना है अभी तक। हम बिना ई पास के अभी तक यहाँ आए हैं, आगे जाके बनवाएंगे। और जहाँ भी हमको रोका गया वो वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, कहीं वैसा कुछ चेकिंग नहीं है, आप आ सकते हैं। उत्तराखंड में ई पास का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस चारधाम यात्रा का ई पास चाहिए, वो हम आगे चल के बनाएंगे सोनप्रयाग में। और सोनप्रयाग से पहले एक जगह है गुप्त काशी है। तो गुप्त काशी में पता चलेगा कि हमको सोनप्रयाग जाने को मिलेगा कि नहीं। अगर शाम से पहले पहुंच गए तो जाने को मिलेगा, शाम में वहां एंट्री नहीं मिलता है तो शाम में हम लोग राइड नहीं कर सकते हैं। सो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सीन बनता है। आपको बता दें कि यहां पे एक छोटा सा कैफ़े है तो वहीं पे रुके हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, मैगी वैगी चाय वाय पीते हैं और फिर राइड को करते हैं कंटिन्यू। और मिलते हैं आपको आपके साथ बाइक पे। और आपको बता दें कि जो वीडियो है ना वो बहुत लोग बोल रहे थे अच्छा नहीं बन रहा है, बट भाई राइड भी कर रहे हैं, वीडियो एडिट भी करना, अपलोड करना एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज है और ये चैलेंज हम ले चुके हैं। तो ये चैलेंज ले लिए हैं तो थोड़ा मतलब उतने अच्छे क्वालिटी तो नहीं दे पाएंगे, बट इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहेगा। सो अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। और जब यहाँ से वापस लौटेंगे तो एक केदारनाथ ट्रिप का पूरा वीडियो बनाएंगे, मतलब अल्टीमेट एडिटिंग के साथ, और उसमें ड्रोन शॉट हर एक चूज रहेगा। ड्रोन शॉट ले रहे हैं बट ड्रोन शॉट नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है राइड करते करते, वीडियो एडिट करना, खाना खाना, रेस्ट भी करना ज़रूरी है। सो इस वजह से तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और मिलते हैं आपके साथ बाइक पे, पहले कुछ खा लेते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ का जो व्यू है ना ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है तो हम लोग सोचे हैं कि इस पेट्रोल पंप पे ले लेते हैं फ्यूल, फ्यूलिंग फुल करा लेते हैं। फुल फ्यूल है मतलब हाफ टंकी से ज़्यादा है जैसा कि देख रहा है, फिर भी फ्यूल फुल करवा लेते हैं, कहीं रास्ते में ना मिला पेट्रोल पंप तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आइडिया उतना नहीं है, तो सेफ साइड होकर जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, इसीलिए सेफ जोन में जाने के लिए बस, और कोई बात नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। R15 उसको जब यही बार बार रुकने की वजह से तो इतना लेट हो रहा है। क्रॉस करते हैं इसको, यहाँ पे बस क्रॉस कर गया तो क्रॉस कर जाएंगे। यो 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 मेरा पैर रखे क्रॉस कर गया। अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो जाम है
वो देखने को मिलता है इस वक्त। सो फाइनली अभी जो है वो हम लोग का चार धाम यात्रा का जो ई पास है वो जनरेट हो गया है, और जनरेट जहाँ हुआ है वो जगह कौन सा है? गौचर में। और भैया का नाम क्या हो गया? सागर कोचवाल। तो अगर आप आते हैं इस रूट से और नैनीताल रानीखेत होके अगर आते हैं तो सोनप्रयाग से अप्रॉक्स 85 किलोमीटर पहले एक छोटा सा मार्केट है, यहीं पे इनका साइबर कैफ़े है, आपको बाहर से दिखा देते हैं। तो कभी आइए तो यहाँ आके ई पास जनरेट करवा सकते हैं। और बाकी तो फिर आगे कंटिन्यू रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको बाहर से। एक बार आपको शॉप दिखा देते हैं, लोकेशन दिखा देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा खासा। तो देख सकते हैं ये है वो शॉप सागर कंप्यूटर वर्ल्ड, और ये है वो लोकेशन। तो इस रूट पे जब आइएगा तो मेन रोड पे ही ये शॉप है, साइबर कैफ़े है। सो यहाँ आके आप बनवा सकते हैं अपना चारधाम यात्रा का ई पास। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, चलते हैं आगे बाइक पे, फिर बात करते हैं आपसे। ये जो व्यू देख रहे हैं ना, ये है रुद्रप्रयाग। कितना सुंदर, मतलब देखने में लग रहा है अल्टीमेट, मतलब ये व्यू पहाड़ काट कर। ये जो व्यू है ना, ये अल्टीमेट लग रहा है। जस्ट लाइक अपना दिवाली जो होता है वो दिवाली लग रहा है, लग रहा है यहाँ दिवाली है, यहाँ रोज दिवाली है। सो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग में, और यहां से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो करीब 70 किलोमीटर के आसपास है, 70 किलोमीटर के आसपास। और हम यहां रूम लिए हैं, ये मेन रोड पे है इसलिए थोड़ा नॉइज़ भी आ रहा होगा, सो उसके लिए सॉरी। और आपको बता दें कि अगर आप केदारनाथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप बिना कोई उत्तराखंड पास के आ सकते हैं, क्योंकि अभी हम राइड किए हैं तो हमको आइडिया हो गया अच्छा खासा। और अगर आप चार धाम यात्रा का ई पास नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ आके ही बनवा सकते हैं या पहले से ही बनवा सकते हैं। सो बता दें कि आज जो हम चारधाम यात्रा का ई पास जो बनाया है, जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, वो हम लोग को मिला है 22 तारीख का डेट। सो आज है 20, कल 21, परसों 22। सो ऐसे भी हम लोग आज सोनप्रयाग पहुंच भी जाते तो कोई बेनिफिट नहीं था, और रात में इधर ट्रैवल करने के लिए नहीं मिलता है। सो इस वजह से हम लोग रुद्रप्रयाग में वेट कर लिए। और अभी जो मेरे मुँह पर लाइट आ रहा है, यहाँ लाइट वैसा है नहीं, और ये लाइट दे कौन रहा है ये भी दिखा देते हैं आपको। निखिल जला रहा है फ्लैश, और आपको दिखा दे कि निखिल साथ में वीडियो भी कॉपी कर रहा है, ये देख सकते हैं ड्रोन शॉट। तो आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे ड्रोन शॉट, ड्रोन होता तो काफ़ी अच्छा रहता, तो आपको ड्रोन शॉट भी इस वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं तो ये ड्रोन शॉट भी ले लिए हैं, तो इस वीडियो में आपको ड्रोन शॉट भी देखने को मिल ही गया है। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, क्योंकि इससे पहले वाला व्लॉग आप लोग को अच्छा नहीं लगा, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि व्लॉग अच्छा नहीं है। सो आई होप सो कि आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो क्या कर सकते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट अच्छा लगना ना लगना तो आपके ऊपर है। और कल का जो वीडियो रहेगा वो यहाँ से सोनप्रयाग जाना है, और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे है, हर एक डिटेल शेयर करेंगे अपने वीडियो में। तो बस बाबा का नाम लेना है और चलते जाना है। जिस दिन केदारनाथ पहुंचेंगे उस दिन लाइव आएंगे आप सब लोग के साथ, क्योंकि आज तक हम YouTube पे कभी लाइव नहीं आए हैं, फर्स्ट टाइम लाइव आएंगे केदारनाथ मंदिर, बाबा का जहां मंदिर है वहां से लाइव आएंगे और आप लोग से फिर बात करेंगे, अगर नेटवर्क रहा तो। अगर नेटवर्क का इशू हुआ तो वो भी मेरा जो ये सोच है ये नहीं कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय, आजकल बंद हो गया है। और हाँ दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, और भाई के लिए कीजिएगा अच्छा सा कमेंट, बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, भाई हमेशा डेली वीडियो डालेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये पानी जो है ना
ये काफ़ी साफ है और ये पीने योग्य पानी है, मतलब आप पानी पी भी सकते हैं। ये देखा है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, तो सोच सकते हैं कैसा व्यू है। ये देख रहा है अल्टीमेट, और ये स्टेटस शेयर कर रहा है तो आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो AKA बाइकर्स ब्रदरहुड के नाम से, तो आप हमको वहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ ड्रोन शॉट ले रहा है, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं।